अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे चावल की रोटी। आइए इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। ये चावल है जो मैंने इस बॉल से नाप के 3 बॉल भर के लिया है। नमक है अकॉर्डिंग टू टेस्ट। ऑयल है 2 टेबल स्पून फुल। आइए स्टार्ट करते हैं। गैस ऑन करेंगे। सबसे पहले जिस बॉल से चावल लिया है उसी बॉल से नाप के 3 बॉल भर के वाटर डालेंगे। नमक डाल देंगे इसमें अकॉर्डिंग टू टेस्ट। ऑयल डाल देंगे और इसे ढक के बॉयल होने देंगे अच्छी तरह से। पानी अच्छी तरह से बॉयल हो गया है। अब इसमें ये आटा डाल देंगे, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। गैस को धीमा कर देंगे। इसे 5 मिनट इसी तरह ढक के छोड़ देंगे। उसके बाद इसे मसल के गूंदेंगे। 5 मिनट हो गया है। इसे किसी बर्तन में निकाल लेते हैं। इसे मैंने बर्तन में उंडेल दिया है। अभी इसे चम्मच की मदद से, अभी बहुत हॉट है, ठंडा करेंगे और इसी तरह इसको मलेंगे भी। और साथ में मैंने हल्का गर्म पानी भी रखा हुआ है, अलग से करके रख लेना चाहिए। अगर हो सकता है चावल में पानी और लगेगा मलते वक्त, तो थोड़ा सा पानी और डालेंगे अगर ज़्यादा ड्राई हुआ तो, और नहीं तो, क्योंकि बहुत सारा चावल है जिसमें ज़्यादा पानी लगता है, किसी में कम पानी लगता है, इसलिए हल्का गर्म करके बगल में रखना चाहिए। अभी हल्का ठंडा हो गया है, अभी इसे हाथ से अच्छी तरह गूंदेंगे 5 मिनट, एकदम चिकना डो बन जाए। अभी भी हल्का गर्म है। अच्छी तरह से लग गया है, तो हाथ को चिकना करके आटा को भी चिकना करेंगे। चावल अच्छी तरह से एकदम चिकना हो गया। अब इसे 5 मिनट का रेस्ट देके उसके बाद रोटी बनाएंगे। तवा गरम करते हैं, ये तो पेड़ा लगा लेते हैं। पेड़ा को अच्छी तरह से मल के लोई बनाना है। एकदम चिकनी लोई होनी चाहिए। अब इसकी रोटी लगाएंगे ऐसे कि आटा को ढक के रखेंगे कि ये ठंडा ना हो जाए, नहीं तो रोटी बनाने में मुश्किल होगा। आइए रोटी बेलते हैं। तवा हल्का गर्म हो गया है, अब रोटी बेलते हैं। सूखे आटे में हल्का सा लेके हल्के हाथ से इसे बेलना है। रोटी कितनी अच्छी तैयार हुई है, बहुत चिकनी, कहीं पर से फटी नहीं है। अब इसे तवा पे डाल देंगे और गैस मीडियम कर देंगे। जब तक वो रोटी हो रही है, जब तक आइए दूसरी रोटी बेल लेते हैं। उसी तरह से हल्के हाथ से बेलना है। कितनी पतली रोटी तैयार हुई है, चपाती की तरह बिल्कुल पतली है, ये ट्रांसपेरेंट रोटी है। तक इसे पलटते हैं, एक तरफ से हल्का हो गया है, इसे पलट के फिर सेकते हैं। रोटी एक तरफ से हो गया है, पलट देंगे और अच्छे से सेकेंगे इसको। हल्के हाथ से बिल्कुल सेकना है इसको।
की रोटी कितनी अच्छी पकी है दोनों साइड से, एकदम सॉफ्ट रोटी है। आइए जब तक दूसरी रोटी डाल लेते हैं, पहले हल्का तेज रखेंगे उसके बाद गैस धीमा कर देंगे। पलट लेंगे और मीडियम आंच करके इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। पलट देंगे रोटी, इसे भी ताप ताप के हल्के हाथ से सेकेंगे। रोटी हल्के फूल रही है, रोटी अच्छी तरह से फूल गई है और दोनों तरफ से सेका भी गया अच्छी तरह से, इसे भी उतार लेंगे। ये चावल की रोटी तैयार है। ये बहुत सॉफ्ट बनती है और खाने में बहुत मज़े की लगती है। इसे भी किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, लेकिन लौकी की सब्ज़ी और कोफ्ते के साथ इसका अपना अलग ही मज़ा है। अगर ये राइस की रोटी आपको अच्छी लगी हो मेरी रेसिपी, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। और ये मेरी सासू माँ की फेवरेट डिश है, इसलिए अक्सर हम लोग के घर में बनती रहती है। थैंक यू।